जनपद संभल की चंदौसी में सीताराम आश्रम के पास दुर्गा कॉलोनी में आबादी के बीचों बीच पेठा फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण से वहां के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दुर्गा कॉलोनी में आबादी के बीचों बीच कई पेठा फैक्ट्री चल रही हैं। कॉलोनी में अभी तक ना तो सड़क पड़ी है ना ही नाली बनी है। उस पर फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी और कूड़ा सड़क के ऊपर डाल दिया जाता है, और इतना ही नहीं, उस फैक्ट्रियों से गर्म प्रदूषित पानी कच्ची सड़क पर छोड़ दिया जाता है। साथ ही भट्टियों से निकलने वाली गर्म राख सड़क पर फेंक दी जाती है। जहां एक और कॉलोनी में रहने वाले लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है, वहीं प्रदूषित पानी की बदबू फैली रहती है और बदबू के कारण घर के आंगन में बैठना भी मुश्किल हो गया है। दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका परिषद से शिकायत कर आबादी के बीचों बीच बनी फैक्ट्रियों को हटाने की मांग की है। जब हमने इस पूरे मामले पर अधिशासी अधिकारी राजकुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि पेठा फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो चालान की कार्यवाही की जाएगी। पेठे की फैक्ट्री चल रही है और पेठे का जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे? क्योंकि सड़क मुझे लग रहा है कि इसी की वजह से गंदगी ज्यादातर इस संबंध में क्या बताएंगे? जब सड़क पड़ जाएगी तो सारी व्यवस्था भी सब अपने आप ही हो जाएगी, समाधान खत्म। गंदगी की गई है फैक्ट्री द्वारा की गई है। इस विषय में क्या कह सकते हैं भाई हम? इस विषय में क्या कह सकते हैं? इसमें तो जेके फैक्ट्रियों वालों ने कूड़ा डाला तो कूड़वाएं भी हाँ, तो ये तो उठेगा, ये कोई नहीं है। लेकिन जब गंदगी इतनी पड़ी है, मिट्टी भी गंदगी पड़ी है, तो इतनी कैसे होगा? यहाँ कुछ लोगों ने पानी और उसमें कचरा वचरा लाके फेंका भी हमारे सामने ही। अच्छा, फैक्ट्री वालों ने हाँ, तो वो यहाँ गड्ढा किया है यहाँ पर। फैक्ट्री वाले भी बेचारे क्या करें, लेटरिन को भी परेशान है आदमी, सब नाली पाली बंद हो गई, अब वो क्या करें? पानी कहाँ निकाले, वो निकाल निकाल के बेचारे फेंक रहे हैं। तो घर के आगे गंदगी कर रहे हैं, तो उससे तो और घर के आगे क्या कर रहे हैं? घर के आगे ना कर रहे, वो तो अपनी लकड़ी फेंक रहे हैं। ये तो गलत है, बीमारी तो लोगों को ये कूड़ा तो हटाना चाहिए, जो भी डाल लिया वो गलत डाल लिया। जैसे यहाँ पे लकड़ी जल रही है फैक्ट्रियों में, तो क्या वो प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड से पास है? यहाँ जो लकड़ी जलती है उससे प्रदूषण फैलता है, तो क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पास है वो? ये भैया हमें ना मालूम। सर, नगर पालिका क्षेत्र में जो सीताराम पर दुर्गा कॉलोनी आती है उसमें कुछ पेठा फैक्ट्री चल रही है, अभी अभी सड़कों पे कूड़ा डालते हैं और वहाँ का गंदा पानी डालते हैं, वो बहुत सारी बदबू आती है और गंदगी का माल लगे हुए हैं, वहाँ पे लोगों का जीना दुभर है, तो उसमें क्या कार्रवाई नगर पालिका? देखिए, अभी अभी मुझे जानकारी में हुई है, बात ये आई है कि वहाँ का पेठा जो है उस तरह का जो उसके और पार्ट है उसको रोड पे डाल देते हैं और उसके केमिकल को सीधे नाली में डालते हैं। तो इसके लिए मैं मंडे को उनको एक नोटिस इशू करूँगा, और अगर नहीं मानते हैं तो उसका फिर आगे चालान किया जाएगा।